नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तीसरा नवरात्र, सच्चे मन से माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से पूर्ण होती है सभी मनोकामनाएं। दोस्तों, माँ चंद्र घंटा भक्तों की भय पीड़ा और दुखों को मिटाने वाली है, भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। देवी के इस रूप की उत्पत्ति नवरात्र के तीसरे दिन होती है। यह रूप सभी प्रकार की अनूठी वस्तुओं को देने वाला तथा कई प्रकार की विचित्र दिव्य ध्वनियों को प्रसारित एवं नियंत्रित करने वाला होता है। इनकी कृपा से व्यक्ति की घ्राण शक्ति और दिव्य होती है। वह कई तरह की खुशबुओं को एक साथ आनंद लेने में सक्षम हो जाता है। माँ दैत्यों का वध करके देव दनुज मनुजों के हितों की रक्षा करने वाली है। जिनके घंटा में आदकारी चंद्रमा स्थित हो उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है, अर्थात जिनके माथे पर अर्धचंद्र शोभित हो रहा है, जिनकी कांति स्वर्ण रंग की है। ऐसी नवदुर्गा के इस तीय प्रतिमा को चंद्र घंटा के नाम से ख्याति प्राप्त हुई है। यह दैत्यों का संहार भयानक घंटे की नाद से करती है। यह माता 10 भुजाधारी है, जिनके दाहिने हाथ में ऊपर से पद्म बाण धनुष माला आदि शोभित हो रहे हैं और जिनके बाएं हाथ में त्रिशूल गदा तलवार कमंडल तथा युद्ध की मुद्रा शोभित हो रही है। माता सिंह में सवार होकर जगत के कल्याण हेतु दुष्ट दैत्यों को मारती है। माता का यह रूप शत्रुओं को मारने के लिए सदैव तत्पर रहता है। पूजा विधि, नवरात्र के तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से पूजा करने के बाद माँ को सिंदूर अक्षत गंध धूप और पुष्प आदि अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा को चमेली का पुष्प अति प्रिय है, माँ को पुष्प अर्पित करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ की आरती करें। तीसरे दिन की पूजा का खासा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन माँ के विग्रह का पूजन और आराधना की जाती है। तीसरे दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए और पूजन के बाद वह दूध ब्राह्मण को देना उचित माना जाता है। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं सत्यै नमः। महामंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। क्या लगाएं प्रसाद? माँ को सफ़ेद चीज का भोग जैसे दूध या खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा को शहद का भोग भी लगाया जाता है। देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक तथा कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा देवी के नाम से जाना जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती है। इनकी आराधना सद फलदायी है, यानी कि तुरंत फल प्रदान करती है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा प्रदान करती है। का ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता निर्भरता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांति तथा सुख का अनुभव करते हैं। माँ के आराधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उनके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भलीभांति करते रहते हैं। माता चंद्रघंटा की पावन कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र
महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज्य करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र चंद्र सूर्य वायु तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा। यह सुनकर ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथ में अस्त्र शस्त्र सजा दिए इंद्र ने भी वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया। सवारी के लिए सिंह दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानव तथा राक्षसों का संहार भी माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। माँ का उपासना मंत्र एवं विधि। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। हमें चाहिए कि अपने मन वचन कर्म और काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सदगति देने वाला है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में तीसरे दिन इसका जाप जरूर करें। इस दिन सांवले रंग की ऐसी विवाहित महिला जिसके चेहरे पर तेज हो उसको बुलाकर उनका पूजन करें। भोजन में दही और हलवा खिलाएं। भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भेंट करना चाहिए। कर्ज मुक्ति के उपाय। कर्ज से मुक्ति के लिए क्या करें उपाय। संपूर्ण प्रयासों के बाद भी ऋण से पीछा यदि नहीं छूट रहा हो तो 108 गुलाब के पुष्प ओम ऐं ह्रीं श्रीं चं फट स्वाहा मंत्र बोलते हुए भगवती चंद्रघंटा के श्री चरणों में अर्पित करें। 1.25 किलो साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख दें। घी का दीपक जलाकर ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्रघंटे हुं फट स्वाहा मंत्र एक बार फिर सुने। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्रघंटे हुं फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। इसके बाद मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उसार कर सफाई कर्मचारी को दान में दे दें। कर्जों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारा चैनल लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।